हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए प्लस ऑनलाइन क्लासेस। हम आपके पास नई वीडियो के साथ। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1, अब हम उसकी एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो आइए, तो हम क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकेशन, या फिर हिंदी में उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए, संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम इन नंबरों को नंबर नेम लिखने वाले हैं और इन नंबरों को कॉमा लगाने वाले हैं, वो भी इंडियन सिस्टम के हिसाब से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले अगर ये इंडियन सिस्टम है, तो इंडियन सिस्टम में हम जानते हैं कि सबसे पहले 3, फिर 2, फिर 2 के बाद कॉमा आते हैं। तो सबसे पहले हम इनमें कॉमा लगा देते हैं, 3, 2, 2। अब कॉमा का काम तो हो गया है, अब हम इसे नंबर नेम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जानते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख करोड़। तो ये जो 8 है वो करोड़ के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 करोड़। उसके बाद है 75 लाख, और लास्ट में है 762। तो ये बन गया 8,75,95,762। अगर आप चाहते हैं कि मैंने दोबारा संख्याओं को लेकर कॉमा लगाऊं, तो ये यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। तो ये हमारी संख्या है 8,75,95,762। इंडियन इमिग्रेशन के हिसाब से सबसे पहले 3, 2, फिर 2, अभी कॉमा लगा। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इसमें है 8546283। तो हम सबसे पहले इसे नंबर नेम में लिख लेते हैं। तो नंबर नेम में सबसे पहले 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। तो सबसे पहले ये हो गया 85 लाख, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं 85 लाख। तो ये हो गया 85,46,283। अब हमने कॉमा लगाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 85,46,283। इंडियन न्यूमेरिकेशन के हिसाब से पहले 3, फिर 2। इन कॉमास को समझने के लिए, फिर नंबर नेम को समझने के लिए, अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो आप हमारा वीडियो नंबर 3 और 4 देखें, अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और तो ये हमारा नया क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। तो ये है 9990046। अब इसको हम बहुत आसानी से करेंगे। हम जानते हैं ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। तो जो 9 है वो करोड़ के स्थान पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 करोड़। अब इसे हम रफ करते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम ये पहले ही कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा 9 करोड़ 99 लाख। अब आप सोचेंगे इन जीरो का क्या करें, हमें इन जीरो का कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास है 46,
तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे 46। तो ये बन जाएगा 9,99,46,00। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं बना है तो हम इसको दोबारा चेक भी कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे, हमने अभी सीखा कि हम इसको नंबर में कैसे बदल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 9 करोड़, तो सबसे पहले 9, उसके बाद 7 places, 99 lakhs, तो 99 lakhs से पहले 5 स्थान पर होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 99 आ गया। अब उसके बाद है 46, और बाकी हमने 0 लगा दिए थे, तो ये और ये बिल्कुल ही सेम है। यहाँ पे भी 3 बार 9, 3 बार 9, 3, 0, 3, 0, 4, 6, तो इसका मतलब ये जो है हमने बिल्कुल ठीक किया है। आप ऐसे करके क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो नेम नंबर नेम लिखा है क्या वो इससे मैच कर रहा है कि नहीं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पे हमारे पास है 9,84,37,701। तो सबसे पहले 9 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 करोड़, जैसे हमने ऊपर किया था 84 लैक्स,84,32,701। अब मैं इसको चेक, अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं, ये मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे चेक करके जरूर देखें कि ये सही है कि नहीं। तो ये हमारा बनता है 9,84,32,701। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 3 का एंड कर लिया है। इस वीडियो के साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पसंद आई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लीज लिख के भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।